आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज जिस फिल्मी शख्सियत के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, उनका नाम है शिशिर कुमार भादुरी, और इनको शिशिर कुमार भादुरी भी कहते हैं। आप 1889 में पैदा हुए और आपने अपनी और 1959 में फौत हो गए। आप स्टेज एक्टर थे और थिएटर के फाउंडर भी थे। आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप बंगाली थिएटर के बानियों में से हैं। आप एक्टर थे, डायरेक्टर थे, प्ले राइट थे, और उसके अलावा आप सिनेरियो और ये चीज़ें भी, सीन डिज़ाइन भी करते थे। आपसे पहले गिरीश चंद्रा घोष ने रियलिज्म और नेचुरलिज्म थिएटर में इंट्रोड्यूस कराया, और उसके बाद आप दूसरे शख्स थे जिन्होंने रियलिज्म और नेचुरलिज्म पे काम किया, और आपको पद्मा भूषण अवार्ड दिया गया, इंडिया का तीसरा बड़ा ऑनरेरी अवार्ड है जो कि 1959 में आपको मिला। आप हावड़ा में पैदा हुए और आपने स्कॉटिश चर्च कॉलेज कलकत्ता से तालीम हासिल की और मुख्तलिफ थिएटर्स में काम करते रहे। आप मेट्रोपॉलिटन कॉलेज के प्रोफेसर भी रहे, आजकल उसका नाम विद्यासागर कॉलेज है। 1921 में आपने नौकरी छोड़ दी और फुल टाइम एक्टिंग की तरफ आ गए, और आपने पहली दफ़ा जो सीन लिखा वो था फिल्म थिएटर या फिल्म के सीता के लिए, उसके आप डायरेक्टर भी थे। और आपने जो फिल्म्स लिखी या जिन फिल्म में आपने काम किया, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एज एक्टर जो जिन फिल्मों में उन्होंने काम किया, एक फिल्म का नाम था चांकिया, फिर एक फिल्म थी टॉकीज ऑफ टॉकीज, फिर एक फिल्म थी उसका नाम था मजूमदार, फिर सीता में काम किया, पाली समाज, भीमचारक, अंधारे, सत्येंद्रा, कामले कामिनी, मोहिनी, ये वो फिल्म से जिसमें इन्होंने एज एक्टर काम किया। अब हम आते हैं जो फिल्म्स इन्होंने डायरेक्ट की, उसमें चांकिया इनकी फिल्म थी जो इन्होंने डायरेक्ट की, टॉकीज ऑफ टॉकीज इन्होंने डायरेक्ट की, पाली समाज में इन्होंने काम भी किया, डायरेक्ट भी की, बरेर बाजार इन्होंने डायरेक्ट की, उसके बाद मोहिनी फिल्म इन्होंने डायरेक्ट की। कुछ फिल्म इनकी शुरू की फिल्म थी और कुछ फिल्म इनकी आखिरी दिनों की थी, लेकिन 1937 के बाद इन्होंने कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की। उसके बाद शायद इन्होंने फिल्मी दुनिया से किनारा कशी अख्तियार कर ली, लेकिन इनकी जो लास्ट फिल्म जो इन्होंने डायरेक्ट की, जो रिलीज़ हुई, वो चांकिया थी। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया।